हूँ जो वो बोल के निकले थे, उसके बाद से वो घर नहीं लौटा। ठीक है, तो हुआ ये कि जब पुलिस ने पता किया इसके बारे में कि आखिर हुआ क्या है, तो उसने मतलब पुलिस ने ऐसा बताया, मतलब ऐसा निकाला है उस केस में कि हुआ ये है कि जो वो बच्चा था, जब वो खेलने गया था अपने दोस्तों के साथ, तो उसके जो तीन दोस्त थे उसने फ्री फायर खेलते खेलते उस बच्चे को मार डाला, वो भी बहुत बुरी तरीके से, और मार के और किसी नदी में, मतलब गंडक टाइप कुछ बोला गया था कि वहाँ पे जाके उसे फेंक दिया, वो भी सिर्फ इस कारण से क्योंकि उस बच्चे का जो फ्री फायर अकाउंट था वो प्रो वाला अकाउंट था, और उसको हैक करने के लिए, उस अकाउंट को पाने के लिए उस तीनों बच्चे ने उसे मार डाला। यार मतलब तुम देख रहे हो कि कितना ज़्यादा खतरनाक केसेज हो रहे हैं, वो भी छोटे छोटे बच्चों के बीच इस फ्री फायर के कारण। तो गवर्नमेंट और बहुत सारे ऐसे जो कंपनियाज हैं उनके बारे बीच में बात हो रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और क्या पबजी को बैन किया गया था तो फ्री फायर को ही बैन कर दिया जाए, और ऐसे केसेज अगर बढ़ते रहें या फिर इन केसेज की वजह से भी फ्री फायर बहुत ही जल्द बैन हो सकता है। और स्क्रीन पर जैसा कि आप देख सकते, ये जो कहानी है ये एकदम सच्ची कहानी है गाइस। ओके, तो क्या होता था उस टाइम पे, जो है सीओसी में मतलब ऐसा था कि सारे बंदे, मतलब जितने भी देश है सारे देश एक साथ खेल सकते थे, लाइक पाकिस्तान, इंडिया, सबके साथ वार होता था। तो उधर के मतलब मेरा दोस्त भी था, ईरान नाम का एक छोटा सा कंट्री था, तो उस टाइम पे ईरान पे जो है काफ़ी सारे बच्चे जो है पागल हो गए थे, मतलब ओनली सीओसी के लिए, क्योंकि सीओसी मतलब एक ऐसा गेम था, मतलब उतना नशे का तो नहीं था, उतना पैसे वैसे नहीं लगाना पड़ता था, बट फिर भी जो है बंदे पागल हो रहे थे ईरान में। इंडिया में तो सब कुछ सही था, बट ईरान में जो है बंदे पागल हो रहे थे, क्योंकि मतलब ईरान का जो गवर्नमेंट था उसको ये कहना था कि ईरान का जो बच्चे है वो लोग मतलब पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देते, एंड मतलब पूरा वक्त जो है गेम खेलता रहता है। ठीक है, तो इसी के कारण जो है ईरान के गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा दिक्कत, मतलब बहुत ज़्यादा जो है मतलब गुस्सा हो गए थे गाइस। ठीक है, ये सीओसी गेम से उस टाइम पे, एंड मतलब मेरा दोस्त भी था ईरान, वहाँ के गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, एंड वहाँ के गवर्नमेंट ने सीधा सीओसी गेम को ही परमानेंटली बैन कर दिया। परमानेंटली बैन मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ अभी रिसेंटली पबजी बैन हुआ था, आप लोगों को पता है रिसेंटली हुआ था, तो पबजी बैन हुआ था बट फिर से वापस आ गया, क्योंकि वहाँ पे चाइना का मतलब डाटा वगैरह का सीन था, तो इसलिए जो है इंडिया वालों ने फिर से मॉडिफाई करके वो गेम को लॉन्च किया। ठीक है, उसी तरह से वहाँ पे जो है मतलब ईरान में सीओसी को बैन कर दिया एकदम परमानेंटली, मतलब जैसे पबजी बैन हुआ वैसे नहीं, एकदम परमानेंट बैन कर दिया, मतलब कभी वापस आ ही नहीं सकता। उनको लगा जो सीओसी गेम है वो बच्चों का माइंड जो है ख़राब कर रहा है। ओके, एंड इसी के कारण जो है वहाँ पे परमानेंटली सीओसी को बैन कर दिया। प्ले स्टोर से ना आप डाउनलोड कर सकते हो, ना खेल सकते हो गेम को उस कंट्री पे। अगर आप पकड़ा जाते हो किसी भी तरह से, मतलब ऐसे डाउनलोड करके खेल रहे हो सीओसी, तो जो है आपको पुलिस केस कर दिया जाता है गाइस। ओके, तो उस कंट्री का ये रूल था, एंड उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वायरल भी हुआ था ये चीज़, एंड उसको लिए मेरे को भी बहुत बुरा लगा था, क्योंकि मेरा भी दोस्त था उस कंट्री से। अभी अगर बोले तो मेरे को जैसे फ्री फायर का ये सब सीन हो रहा है, मतलब ये डायमंड मांग रहा है कोई, कोई धमकी देके मिलने की कोशिश कर रहा है, जैसे मेरे को धमकी दे रहा है एक बंदा इंस्टाग्राम के मिल लो वरना मैं सुसाइड कर लूंगा, ऐसे वैसे करके, मतलब चूती है वो क्या भाई। देखो गाइस मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा रहा हूँ, मतलब ऐसे वैसे बहुत सारे बंदे जो है मेरे को टैग करते हैं कि मिल लो वरना सुसाइड कर लूंगा, उसके अलावा मतलब तुम डायमंड दे दो मेरे को वरना सुसाइड कर लूंगा, तुम अब मेरे को टॉप अप दे दो वरना सुसाइड कर लूंगा, ऐसे वैसे बहुत सारे बंदे मैसेज करते हैं। एंड कल के वीडियो में मैंने जैसे बताया कि मम्मी को मार रहा है एक 9 साल का बच्चा, मतलब हम लोग क्या करते थे, हम लोग जब टेंथ में, मतलब मैं जब टेंथ में पास किया था ना उस टाइम पे मैंने मोबाइल लिया था, उससे पहले मैंने मोबाइल नहीं लिया था। अबे पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बीएएस बनो भाई, ये सब गेम का चक्कर अभी छोड़ो भाई, अभी तुम 9 साल के बच्चे हो तो अभी अभी से फ़ोन पकड़ रहे हो, वाह भाई तुम्हारा भविष्य एकदम मतलब खतरे में है, बहुत ज़्यादा खतरे में है, लिटरली बता रहा हूँ। इस टाइम पे हम लोगों को बोलता था, बट हम लोग पढ़ाई लिखाई में फिर भी ध्यान लगाते थे। ठीक है, ये बच्चे, एंड मेरे मम्मी पापा ने मेरे को टेंथ पास होने से पहले कभी भी फ़ोन खरीद के नहीं दिया। ठीक है, टेंथ पास हुआ उसके बाद ही मेरे को फ़ोन खरीद के दिया। तो प्लीज़ सबसे पहले टेंथ पास करो भाई, टेंथ पास अगर आप नहीं करोगे तो आपका भविष्य बहुत ज़्यादा अंधेरा में है, लिटरली बता रहा हूँ। मतलब आप ना तो पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगा रहे हो, ना गेम में तो कुछ कर नहीं सकते, गेम खेलोगे, गेम खेल के कर ही क्या लाओगे, अभी इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो गया है यूट्यूब पर, कुछ नहीं कर सकते आप लोग, लिटरली बता रहा हूँ। तो देखो गेम खेलो बट लिमिट में खेलो, गेम को गेम की तरह लो, ना कि टॉप अप करूंगा मेरे को फ़ोन खरीद के दो, ऐसे वैसे नहीं है। जब तुम्हारे पास आएगा खुद का फ़ोन, जब तुम टेंथ पास कर लोगे, तब आई थिंक तुम्हारे मम्मी पापा खुश होके देंगे फ़ोन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई मार पीट के मतलब फ़ोन ले लो उसके बाद खेलो। देखो मेरे को भी गुस्सा आता था उस टाइम पे, बट मैं कुछ बोला कुछ नहीं बोला गाइज, क्योंकि भाई मम्मी पापा अलग है भाई और गेम अलग है, क्योंकि एक गेम की वजह से अगर मम्मी पापा के साथ ऐसे करेंगे तो मतलब अलग सीन हो जाएगा ना, समझ रहे हो। एंड कल के वीडियो में पता नहीं क्या हो गया, यूट्यूब रिव्यू कर रहा है, पता नहीं स्ट्राइक विस्ट्राइक पड़ने वाला है कि क्या होने वाला है। तो देखो उस टाइम पे सीओसी किस लिए बैन हुआ था, क्योंकि
अखबार में आने लगे थे ना कि इस बच्चे के ऐसे हो रहा है, इस बच्चे के साथ ऐसा सीन हो रहा है, मतलब काफ़ी सारे अखबार छप गए थे उसके ऊपर, ठीक है, उस चीज़ के ऊपर। एंड अभी फ्री फायर के साथ सेम चीज़ हो रहा है। अगर आप मतलब सही न्यूज़ दे रहे हो तो सही है, अगर गलत न्यूज़ है तो भाई प्लीज़ मत दो, मतलब गेम का भाई बदनामी होगा एंड गेम बैन भी हो जाएगा। लिटरली बताऊँ तो मतलब ऐसे फेक न्यूज़ मत दो, बट जो रियल है उसको दे दो। एंड बच्चों को मतलब प्लीज़ जितने भी बंदे देख रहे हो ना यूट्यूबर, प्लीज़ एक बार समझा दो आपके ऑडियंस को, ताकि आपके ऑडियंस कोई ऐसे कदम ना उठाए जिससे मतलब फ्री फायर को बैन होना पड़े। लाइक टॉप अप में बंद कर दो, टॉप अप करना बंद कर दो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मतलब अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप किसी भी चुरा के या फिर मम्मी के पास लेके टॉप अप करना बंद कर दो। दूसरा चीज़, आप मोबाइल के लिए ऐसे झगड़ रहे हो तो ऐसे चीज़ें बंद कर दो। आप एक नॉर्मल लाइफ जियो ना, अभी बच्चे हो भाई, अभी जब तुम्हारा मतलब टाइम होगा मोबाइल चलाने का उस टाइम पे चला लेना। अभी क्या है, इतना इतना क्या नशा चढ़ गया है कि मोबाइल चलाना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसे करते रहोगे ना तो मतलब फ्री फायर को बैन होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बूंद बूंद से ही सागर बनता है, एक बार में नहीं बन जाता, ठीक है। अगर आप ऐसे केसेस आते रहे तो भाई ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, एक साल के अंदर बैन हो जाएगा फ्री फायर, आपका फेवरेट गेम बैन हो जाएगा। तब आप खुश हो जाओगे, लिटरली बता रहा हूँ, अभी सुधर जाओ, अभी वक्त है। अगर अभी नहीं सुधरोगे तो कभी नहीं सुधर सकते। एंड मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, उस टाइम पे सी ओ सी भी बैन हो गया था, इस टाइम पे इंडिया में पबजी भी बैन हो गया है, एंड मतलब पबजी भी बैन हो गया था एंड